क्या हाल है दोस्तों दोस्तों Alienware अपने दो नए लैपटॉप लेके आया दोस्तों Alienware X14 Alienware M15 R7 गेमिंग लैपटॉप्स 12 जनरेशन का यहाँ पे इंटेल प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, NVIDIA ग्राफिक कार्ड, नई कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल रही है जो आपके लैपटॉप को एकदम कूल और काम रखने वाली है। और क्या कुछ इसमें मिलने वाला है दोस्तों आपको डिटेल में बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं Alienware के दो अमेजिंग लैपटॉप्स के बारे में। दोस्तों Alienware X14 और Alienware M15 R7 दोनों गेमिंग लैपटॉप आपको इंटेल कोर के 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। स्पेशली H सीरीज का प्रोसेसर यहां पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके साथ दोस्तों NVIDIA G4 RTX 30 सीरीज का GPU भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो मेजर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों डिस्प्ले में। यहां पे अगर X14 की बात की जाए तो 14 इंच का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगर M15 की बात की जाए तो 15.6 इंच का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पे डिटेल में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों Alienware X14 की डिटेल्स की। दोस्तों Alienware X14 की यहां पे बात की जाए तो Windows 11 Home और Windows 11 Pro के साथ ही अवेलेबल होने वाला है। 14 इंच का डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। NVIDIA G-Sync सर्टिफिकेशन के साथ ये आपको देखने के लिए मिलता है। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। दोस्तों यहां पे अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको 12 जनरेशन का इंटेल i5 देखने के लिए मिलेगा। यहां पे दोस्तों i7 भी इसका अवेलेबल है, यानी इसमें दो ऑप्शन आपका अवेलेबल होने वाले हैं, i5 एंड i7। यहां पे दोस्तों आपको इसमें 6GB NVIDIA G4 RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड भी देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पे अगर रैम की आप बात करेंगे तो ड्यूअल चैनल 32GB की LPDDR5 रैम देखने के लिए मिलती है और यहां पे 2TB, जी हां दोस्तों 2TB की यहां पे SSD भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहां पे दोस्तों ये बैकलेट कीबोर्ड के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा और 1.2mm का यहां पे आपको टच पैड भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर यहां पे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6, HDMI 2.1 पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की बात की जाए तो काफी सारे पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे HD वेबकैम भी आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यूअल एरे माइक्रोफोन्स के साथ। अब दोस्तों यहां पे अगर इसकी बैटरी की आप बात करते हैं तो इसमें आपको 11 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक बैकअप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहां पे काफी अच्छा बैकअप आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं Alienware M15 R7 के बारे में। तो दोस्तों M15 में भी आपको विंडोज 11 होम और विंडोज 11 प्रो के ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे ये 15.6 इंच के फुल HD के डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको दोस्तों 360 का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे अगर आप प्रोसेसर की बात करते हैं इसमें आपको 12 जनरेशन i7 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और ग्राफिक कार्ड तो दोस्तों यहां पे NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti का ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिलता है। यहां पे दोस्तों इसमें 16GB DDR6 मेमोरी और अप टू 64GB DDR5 रैम का ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4TB तक का ऑप्शन अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6, USB-A के दो पोर्ट मिलने वाले हैं। यहां पे आपको पावर शेयर सपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। USB टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। थंडरबोल्ट पोर्ट मिलने वाला दोस्तों यहाँ पे। डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलने वाला है। 3.5mm का हेडफोन जैक भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसके कीबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे चेरी MX मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है। हर एक की पे आपको एलियन FX लाइटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। 1.8mm का दोस्तों ट्रैक पैड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी दोस्तों आपको HD कैमरा देखने के लिए मिलता है और ड्यूअल एरे माइक्रोफोन्स इसमें भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो X14 आपको मिलने जा रहा है 1,69,999 रुपीज। वहीं अगर दोस्तों M15 की बात की जाए तो वो थोड़ा सा चीपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, 1,64,999 रुपीज। यहाँ पे दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।